नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे बड़े अलग ही टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। बाकी वैसे आपने थंबनेल पे देख के भाई समझ गए होंगे कि यार दुनिया देखो कितने हरामीपन पे उतर जाती है। इसको लालच नहीं बोलेंगे, इसको हरामीपन बोलेंगे। जी हाँ, यानी लालच यार इतना हो सकता है कि आदमी अपनी जान से भी खतरा ले सकता है, जान को भी यानी जोखिम में डाल सकता है। ऐसा एक वाकया कल को बता दूं, जयपुर एयरपोर्ट पे पकड़ा गया। अब डिटेल से हम बात करेंगे कि बता दूं बंदे ने इतनी गंदी हरकत की कि आधा किलो गोल्ड, जी हाँ 500 ग्राम गोल्ड को, 25 लाख रुपये के सोने को पिछवाड़े में दबा लिया। अब आप सोचेंगे यार शर्म आती है हमें भी बोलते हुए, लेकिन इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि जो लोग तस्करी का काम करते हैं कि यार ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम लोग। डिटेल से हम बात करेंगे। पिछले बता दूं एक महीने में 3 मामले पकड़े गए। हर रोज हमारे राजस्थान जयपुर में गोल्ड तस्करी के मामले पकड़े जाते हैं, लेकिन मैं दिल है कि मानता नहीं, क्या करें सनम, वो कुआवत हो गई। डिटेल से वीडियो देखिएगा, पूरी जानकारी देंगे। वीडियो अच्छा लगे तो भाई लाइक शेयर करिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखें ताकि हर रोज आपको विदेश से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। जी हाँ, एक बता दूं दुबई से एक बंदा एयरपोर्ट पहुंचता है, जैसा कि उसने बताया एयरपोर्ट पे उनको गोल्ड के तस्कर मिल जाते हैं। उनको ये बोलते हैं कि ये हमारा कुछ गोल्ड है, इसको हम तैयार करके लेके आए हैं, आपको हम 20,000 प्लस आपको टिकट का 15,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे और आप ये गोल्ड हमारा, एक बंदा एयरपोर्ट से बाहर निकलते आपको मिलेगा और उनको देना है, बस इतना सही हम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बंदे को गोल्ड इस तरह से बनवा दिया जाता है, उसको प्लान बता दिया जाता है कि आप अपने पिछवाड़े में डाल लेना भाई गोल्ड को, जी हाँ, और ये तस्करी में भी पता ही नहीं लगेगा, आप निकल जाओगे आराम से। जबकि सच्चाई यह है कि भाई देखिए, जो कस्टम अधिकारी हैं, जो इतने बड़े बड़े लोग जो वहां पे बैठे हैं, कमिश्नर वगैरह जो इतना दिमाग लगाते हैं बैठे बैठे, उनका काम यही है, तो उनका तो लिंक कहीं ना कहीं उनके भी जुड़े हुए होते हैं भाई आपस में। उनको पहले से ही सूचना मिल गई थी कि एक ऐसा बंदा ऐसे आ रहा है, उसको धर लेना है। जी हाँ, उनका टारगेट था भाई बंदे का देख के आ जाओ जी, इधर आ जाओ, उसको निशानी पहले ही बना उनको बता दी गई थी। बंदे को बिठा लिया, बंदे से पूछा भाई गोल्ड कहाँ है, गोल्ड तो नहीं है जी, तलाशी ले लो, तलाशी ली, गोल्ड मिला नहीं, जबकि उनको पता था कि गोल्ड कहीं ना कहीं इसने दबा रखा है। उनको बोला ठीक है कोई बात नहीं, गोल्ड नहीं है तो साइड में बैठ जाओ। बंदे को बता दूं 1 से 1.5 घंटा बिठा के रखा। अब आपको पता ना यार, गलत जगह पे कुछ चीज आप डाल देते हो तो आप कितनी देर, आप अपना पैर पत्थर के पत्थर के नीचे अपना पैर अपना हाथ दबा के कितनी देर रख सकते हो, एक लिमिट होती है उसकी। सेम है भाई, गोल्ड आधा किलो था, पिछवाड़े में दबा लिया, कितनी देर बंदा रह सकता है, 3 से 4-5 घंटे तो उसने पहले रास्ते में लगा दिए, 1 घंटा और निकाल दिया, बंदे की हालत हो गई खराब। तो बंदे ने बाथरूम में गया, अपने आप वो गोल्ड निकाल के दे दिया कस्टम डिपार्टमेंट को। अब बताओ जी कितनी नीच और गलत हरकत की। अगर इसकी इंक्वायरी की जाए तो आपको पता है भाई कानून ऐसा बना है, नहीं तो नाम बताते हैं, नहीं इसका एड्रेस बताते हैं, नहीं उसकी फोटो डालते हैं। ये बताया कि ये बंदा दुबई में टैक्सी चलाता है, इसको ये लालच एयरपोर्ट पर दिया गया कि भाई ये कर ले, हम तेरे को इतना दे देंगे। और ये बंदा जयपुर आया, जयपुर से फिर इसको जाना था दिल्ली, दिल्ली का बंदा था बताओ, एयरपोर्ट पे ये सिर्फ और सिर्फ गोल्ड देने के लिए जयपुर एयरपोर्ट तक आया था, बीच में पकड़ लिया गया, पकड़ के उसके पूछताछ की, जेल में बताया नहीं अपने आप, फिर वो बताया आपको कि टाइम ज्यादा निकलता है तो प्रॉब्लम होने लग जाती है, बॉडी जवाब देने लग जाती है, तो ये बाथरूम जाकर अपने आप निकाल के दे दिया गोल्ड, बैकफुट पे अपने आप आ गए। अधिकारियों ने कुछ किया ही नहीं क्योंकि उनको पता था कितनी देर सहन करेगा बंदा, दर्द होने लग जाता है। फिर ये स्थिति है भाई, 2022 में बता दूं इस महीने में 3 कार्रवाई कर दी गई है। 7 जनवरी को भी बता दूं 581 ग्राम गोल्ड पकड़ा गया है, उससे पहले 6 बिस्कुट पकड़े गए। ये स्थिति आए दिन जयपुर एयरपोर्ट पे होती रहती है और लोग लालच का नाम लेते हैं कि हमें तो बस एयरपोर्ट पे दिया, हम किसी को जानते नहीं हैं, नाम ये नहीं है वो नहीं है, और बस कस्टम डिपार्टमेंट का भी इतना सा, ये गोल्ड पकड़ लो, आएगा छुटवाने के तो दे देंगे गोल्ड, टैक्स लेके नहीं वरना जेल में डाल देंगे, जमानत ले लेगा अगला, गोल्ड गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाएगा, ये स्थिति होती है। तो भाई देखिए, कितनी भी सातिराना अंदाज में आप करने की कोशिश करिए, कस्टम डिपार्टमेंट से आप बच नहीं पाते, बच नहीं पाओगे तो आप बचें उसी में आपका भलाई है। समझ गए होंगे मेरी बात को, बस ये अपडेट देना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद।